बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 97 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सीरत बलोच। नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान मोहरा हैं, वो हमारा हदफ नहीं। हकूमती मुशीर अपनी खिफत मिटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। हकूमत की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ये जनवरी से पहले चली जाएंगी। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का बेंच 27 अक्टूबर को अपील की समाअत करेगा। FDA ने कोरोना की पहली दवा की मंजूरी दे दी। रेमडेसिविर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई थी और अब वो कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान। सिंध हुकूमत की जानिब से जश्न विलादत बासादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सूबे भर में आम तातील होगी। वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि यकीन दिलाता हूं कि 15 जनवरी तक नवाज शरीफ जेल में होंगे। मरियम कहती हैं कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी, होशियार रहें। उन्होंने साल का नहीं बताया। ये थी आज की ताज़ा खबरें। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए 97newstv.com। मिलते हैं मजीद खबरों के साथ, तब तक के लिए फिरत बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।